नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आपदा के दृष्टिगत IRAS सिस्टम में विभिन्न अधिकारियों की क्या भूमिका है उसके संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपदा संबंधित सही डाटा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने नगरपालिका EO को निर्देशित किया कि जर्जर भवन पर नोटिस चस्पा व नालों की साफ सफाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि JCB मशीनों की संख्या, उन्हें जिस स्थान पर तैनात व JCB संचालकों के फोन नंबरों की सूची भी उपलब्ध कराएं। कहा कि सड़कों में बरसाती पानी जमा न हो इसका विशेष ध्यान दें। बैठक में जल निगम, मत्स्य विद्युत, NH, धूमाकोट व पशुपालन विभाग अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आपदा के दृष्टिगत लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद के अंतर्गत जिन पुलों पर खामियां हैं उनकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं, जिससे समय पूर्व वहां कार्य किया जा सकेगा। कहा कि सड़कों के किनारे नालियों की सफाई का कार्य जल्द से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां हेलीपैड है उनका आकार की रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि एम्बुलेंस, ऑक्सीजन प्लांट, समस्त CSE में सुविधाएं, एक्सरे मशीन सहित अन्य का विवरण प्रस्तुत करने को कहा। साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग को निर्देशित किया कि श्रीनगर व कोटद्वार में बाढ़ चौकी स्थापित करें, डिस्प्ले बोर्ड में उसकी सारी जानकारी चस्पा करें, जिससे आवागमन करने वाले लोगों को जल स्तर की जानकारी मिल सकेगी व नदियों के किनारे जाने से खुद को रोक पाएंगे। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि हर सप्ताह डैम अधिकारी व सिंचाई अधिकारी के साथ जल स्तर से संबंधित बैठक करें, जल स्तर की जानकारी बाजारों के सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करें। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी ग्राम पंचायतों में GSPS फोन में रिचार्ज करवाएं, उसके लिए BDO को नामित करें। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी थानों में आपदा उपकरणों का सत्यापन कर उनकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। कहा कि जनपद स्तर व तहसील स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम स्थापित करें, अलग अलग शिफ्ट में कार्मिकों को तैनात करें। नगरपालिका को निर्देशित किया कि जर्जर भवनों पर बड़े अक्षरों में पेंट के माध्यम से नोटिस चस्पा करें, नालों की साफ सफाई करें व उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। खाद्य विभाग को निर्देशित किया कि आपदा के समय भोजन के पैकेट जनपद व तहसील स्तर पर तैयार रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि राशन को समय से डीलरों तक पहुंचाएं। आपदा अधिकारी को निर्देशित किया कि आपदा संबंधित प्रतिदिन का डाटा NIC वेबसाइट पर अपलोड करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समस्त तहसीलों में 684 व्यक्तियों को आपदा संबंधित ट्रेनिंग दी गई है, जिससे आपदा के समय उनकी मदद ली जा सकेगी। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। क्षेत्र में और नगर पालिका क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में जितना भी नाले हैं, गधेरे हैं, वहाँ पर जहाँ पर अतिक्रमण हुआ है उन सबको चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ में जर्जर भवन ऐसे हैं जहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना होती है, उसको भी चिन्हीकरण करते हुए उसके ऊपर बड़े अक्षरों से उसके जर्जर स्थिति की जानकारी दी जाएगी, ताकि भविष्य में उसके आसपास कोई परिवार सुरक्षित स्थान पर वहाँ से शिफ्ट होने में उसको मदद मिल सके। इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र में नालों सफाई के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। रैन बसेरों को संचालित करने का निर्देश दिया है। 1 जुलाई तक समस्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सिंचाई विभाग के माध्यम से बाढ़ चौकी की स्थापना करने का निर्देश दिया है। जनपद में 2 बाढ़ चौकी बनाने का निर्देश दिया है, एक श्रीनगर में और एक कोटद्वार में। इसके अलावा बाढ़ चौकी की जानकारी पब्लिक को हो उसके लिए विभिन्न स्थानों पर डिस्प्ले बोर्ड लगाने का हम लोगों ने आज निर्णय लिया है। इसके अलावा SDRF के माध्यम से जनपद में अभी वर्तमान में जो 3 SDRF टीम्स तैनात की जाती हैं, मैंने निर्देश दिया है कि और 2 अतिरिक्त टीमों का तैनाती करने के लिए शासन से रिक्वेस्ट की जाए, और उन 2 अतिरिक्त टीमों को एक धूमाकोट क्षेत्र में, बेरोखाल क्षेत्र में, या फिर दूसरी जो टीम होगी उसको द्वारिका और चलुसन क्षेत्र में तैनात किया जाए, ताकि हमारे जो आपदा के समय में रिस्पॉन्स टाइम होता है वो कम किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि जनपद में जितने भी हमारे यहाँ प्रबंधन विभाग हैं इसमें सभी लोग जो है अपना तैयारी पूर्ण करते हुए जो भी कमियां होगी उसके बारे में हमको अवगत कराएंगे, ताकि उस पर समय